राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। रविवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शनिवार देर रात को दिल्ली पहुंचे। साथ ही टिकट की आस लगाए पार्टी के कई दिग्गज नेता भी, जैसे डॉक्टर महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के साथ ही कई नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 100 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद सोमवार को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें इस बात पर मोहर लगाई जाएगी। कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर चुका है। पहली लिस्ट में 33, दूसरी लिस्ट में 43 और तीसरी लिस्ट में 19 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। कांग्रेस हाईकमान को अब 105 विधानसभा सीटों पर मंथन करना है। इसमें से कुछ सीटों पर अन्य दल से गठबंधन की बातें चल रही हैं। राष्ट्रीय लोक दल के साथ कांग्रेस का गठबंधन तय है। भरतपुर से सुभाष गर्ग का नाम RLD से तय माना जा रहा है और कांग्रेस इस नाम पर राजी है। इस तरह भारत आदिवासी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित कुछ अन्य दल के साथ ही पार्टी की बातचीत चल रही है। ऐसे में करीब 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस अन्य दलों को समर्थन दे सकता है। आपको बता दें कि अब तक घोषित किए गए प्रत्याशियों में कांग्रेस ने अधिकतर पूर्व प्रत्याशियों को ही दोहराया है। ऐसे में टिकट की उम्मीद लगाए बैठे स्थानीय नेता नाराज हो गए। अभी आधे ही प्रत्याशी घोषित नहीं किए और ज्योति खंडेलवाल, सुरेश मिश्रा, रामचंद्र सारना, रेवंत राम पवार सहित कई नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। अभी 105 प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। कांग्रेस को डर है कि और नेता पार्टी से नाराज हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान इस मुद्दे पर भी चर्चा करेगा कि नाराज नेताओं को कैसे मनाया जाए। 25 सितंबर को कांग्रेस के हाईकमान के खिलाफ बगावत करने वाले गहलोत सरकार के 3 मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के टिकट पर भी तलवार लटकी हुई है। इसको लेकर सियासत में राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। माना जा रहा है कि हाईकमान के खिलाफ विद्रोह करने वाले इन 3 मंत्रियों को सजा के तौर पर इनका टिकट काटा जा सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की 4th लिस्ट को लेकर संभावना है कि इन 3 नेताओं के साथ ही कई मंत्रियों के नामों पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें से कुछ नामों पर पार्टी मोहर भी लगा सकती है।